भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। दोस्तों बात करने जा रहे हैं इफ्तिखार खान की, जो अधिकतर फिल्मों में पुलिस का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। तो चलिए इफ्तिखार खान की निजी जिंदगी की जानकारी करते हैं। इफ्तिखार खान की बायोग्राफी, इफ्तिखार खान की लाइफ स्टाइल, इफ्तिखार खान की लाइफ स्टोरी, फैमिली, वाइफ, चाइल्ड, एज, एजुकेशन, फिल्मी करियर की पूरी जानकारी करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉन, भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। चारों तरफ हर रिवॉल्वर की आग तुम पर लगी हुई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनेताए हैं जिन्होंने अपने गुड लक और बॉडी से नहीं बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई। इस लिस्ट में 1940 से 60 तक के दशक में अपनी बेमिसाल एक्टिंग से हर किसी को हैरान करने वाले अभिनेता इफ्तिखार खान का नाम भी शामिल है। इफ्तिखार बॉलीवुड फिल्मों में सुपर कॉप के नाम से जाने जाते थे। वह अपनी अधिकतर फिल्मों में एक कड़क इंस्पेक्टर या फिर एक पुलिस कमिश्नर के किरदार में नजर आते थे। आज बेशक अभिनेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में उनकी खाकी वर्दी वाली इमेज आज भी जिंदा है। इफ्तिखार खान का पूरा नाम सैयद इफ्तिखार अहमद शरीफ है। इनका जन्म 22 फरवरी 1924 को जालंधर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। वह चार भाई और एक बहन में सबसे बड़े थे। इनके पिता कानपुर की एक कंपनी में उच्च पद पर तैनात थे और इसी वजह से इनका पूरा बचपन कानपुर में गुजरा था। इफ्तिखार खान ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग में डिप्लोमा कोर्स किया। बचपन से ही इफ्तिखार को गाने और चित्रकला का काफी शौक था। वह बचपन से ही अपने जमाने के सुपरस्टार गायक केएल सहगल को अपना आइडल मानते थे और उनकी तरह ही वह मशहूर गायक बनना चाहते थे। उन्होंने गायकी के क्षेत्र में कदम रखने के लिए कोलकाता जाने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को जरूर कुछ और ही मंजूर था। तभी तो वह सिंगर न बनकर एक अभिनेता बनकर दुनिया के सामने उभरे थे। इफ्तिखार का रिश्ता सईदा नाम की एक लड़की से हो गया था, जिनके साथ अभिनेता ने अपनी वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत की थी। उनकी जिंदगी में एक और लड़की ने कदम रखा। वह जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी बिल्डिंग में रहने वाली यहूदी लड़की हना जोसेफ पर उनका दिल आ गया था। खास बात यह है कि जोसेफ भी अभिनेता से प्यार करने लगी थी और इस वजह से अभिनेता ने अपनी पहली पत्नी सईदा से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और जोसेफ से शादी कर ली। शादी के बाद हना जोसेफ ने अपना धर्म परिवर्तन किया और फिर उनका नाम रेहाना अहमद हो गया था। शादी के कुछ सालों बाद रेहाना ने दो बेटियों को जन्म दिया जिनका नाम सलमा और सईदा है। उनकी पहली फिल्म साल 1944 में रिलीज हुई तकरार थी। इस फिल्म में उनके साथ उस जमाने की मशहूर अदाकारा जमुना नजर आई थी। दोनों की जोड़ी को काफी तारीफें मिली। इसके बाद साल 1945 में दो फिल्म घर और राजलक्ष्मी रिलीज हुई। फिल्म घर में इफ्तिखार और जमुना की जोड़ी फैंस को एक बार फिर से देखने को मिली और राजलक्ष्मी में वह कानन देवी के साथ नजर आए थे। मुंबई आकर उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया था, जिनमें सगाई, विराज बहू, मिर्जा गालिब, देवदास, श्री 420 समेत कई फिल्में शामिल थी। हालांकि 1969 में उनके हाथ फिल्म इत्तेफाक लगी, जिसने अभिनेता की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। इस फिल्म में वह पहली बार एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए थे। इत्तेफाक के बाद अभिनेता कई फिल्मों में दमदार रोल निभाते हुए नजर आए थे, जिसमें शर्मिली, महबूब की मेहंदी, कल, आज और कल, हरे रामा हरे कृष्णा, जवानी दीवानी, अचानक, जंजीर, मजबूर, दीवार, शोले, कभी कभी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, डॉन, त्रिशूल, काला पत्थर, कर्ज, दोस्ताना, रॉकी, राजपूत, जागीर समेत कई फिल्मों में शामिल हैं। अभिनेता का आखिरी फिल्म काला कोट थी, जो साल 1993 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अपने करियर में लगभग 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इफ्तिखार खान की 4 मार्च 1955 को 71 वर्ष की उम्र में मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में निधन हो गया।